पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से आ रही जिला पोषण समिति की संपन्न हुई बैठक। आज उन्नाव पन्नालाल सभागार कलेक्ट्रेट में जिला पोषण समिति की बैठक जिला अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उक्त बैठक में विभाग द्वारा निर्धारित एजेंडा जैसे संभव अभियान लर्निंग लैब के माध्यम से मॉडल रूप में विकसित किए जा रहे 16 आंगनबाड़ी केंद्र नैफेड द्वारा आपूर्ति पोषाहार NRLM द्वारा उत्पादित पोषाहार स्वयं बच्चों के पोषण स्तर में सुधार कायाकल्प राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं को दिए जाने वाले विशेष मानदेय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के गोद लिए गए अधिकारियों के भ्रमण के संबंध में विस्तृत समीक्षा बैठक की गई। संभव अभियान 2023 माह जून 2023 से सितंबर 2023 तक चल रहा है। उक्त अभियान के अंतर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य प्रवर्धन का कार्य ICDS एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्वयं पाए गए बच्चों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकसित किए गए ई कवच पोर्टल पर स्वयं बच्चों का फॉलो अप करना तथा उनकी ई कवच पोर्टल पर फीडिंग किया जाना है और दवाएं दिलाए जाने के साथ फॉलो अप भी किए जाने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक विकासखंड से लर्निंग लैब के रूप में विकसित किए जाने वाले चयनित एक एक विभागीय आंगनबाड़ी केंद्र भवन 16 अव्यवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किए जाने हेतु कराए जाने वाले कार्यों को 30 सितंबर 2023 से पूर्व करने हेतु संबंधित विकासखंड के खंड विकास अधिकारियों को जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी महोदया द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी को लर्निंग लैब में चयनित 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेते हुए अपनी निगरानी में कार्य कराने के निर्देश भी दिए गए। गोद लिए गए अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संभव अभियान चल रहा है, गोद लिए गए केंद्रों का निरीक्षण कर लें तथा वहां के स्वयं बच्चों के स्वास्थ्य में कोई कमी हो तो संबंधित विभाग से बात करते हुए कमियों को पूर्ण करा लें। लर्निंग लैब के अंतर्गत चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों के संदर्भ में जिला कायाकल्प कराए जाने हेतु सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संबंधित ग्राम प्रधान से बात करते हुए समय से केंद्र का कायाकल्प कराएं। पोषण टैकर की फीडिंग में जनपद उन्नाव विगत कई माहों से लगातार नंबर 1 बना हुआ है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, परियोजना निदेशक, DRDA, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित समिति के अन्य सदस्य एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक, समस्त खंड विकास अधिकारी, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, यूनिसेफ और TSU के द्वारा प्रतिभाग किया गया। युवा तक भारत समाचार के लिए गौरी शंकर सिंह की रिपोर्ट।